नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं बच्चों हिंदी व्याकरण से पाठ 3 शब्द और वाक्य। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी आमोद बुक निकालिए हिंदी व्याकरण की और उसमें देखिए पेज नंबर 16 पे पाठ 3 शब्द और वाक्य। इससे पहले, इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके 2 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है, जिसमें आपका पहला पाठ है भाषा लिपि और व्याकरण और दूसरा पाठ है वर्ण और मात्राएं। तो बच्चों, भाषा लिपि और व्याकरण में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार पहले आप पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे शब्द और वाक्य की ओर, ठीक है? तो ऐसे ही ओरली आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आपको पढ़ाया गया सबसे पहले भाषा में, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, ठीक है, स्वर और व्यंजन बताए गए, ओके बच्चों। लिपि में लिपि किसे कहते हैं, ठीक। व्याकरण में व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के विषय में जानकारी दी गई आपको। उसके बाद आपको दूसरे पाठ में वर्ण और मात्राएं में, उसमें आपको वर्णों के विषय में बताया गया और मात्राओं के विषय में बताया गया कि वर्ण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, सारा कुछ उसमें आपको बताया गया, ठीक है, और मात्राओं के विषय में आपको बताया जा चुका। तो आप उनको ध्यान में रख करके शब्द और वाक्य पाठ को शुरू करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बुक भी ले लीजिए और यहाँ भी देखते रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझने में ना हो। पेज नंबर 16 में आमोद बुक में देखेंगे पाठ 3 शब्द और वाक्य, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर कुछ निश्चित अर्थ देते हैं तो उनको शब्द कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है, वो भी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णों का मेल होना चाहिए। बात हमारी समझ में आ रही है, ऐसे वर्णों का मेल जिनका अर्थ निकले उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं, ठीक है। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों। तो यहाँ पे वो परिभाषा दी गई है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर कुछ निश्चित अर्थ देते हैं तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, जैसे लिखा है से प्लस र, ठीक है। से क्या है बच्चों, ये वर्ण है, र क्या है, वर्ण। दो वर्णों के मेल से यहाँ पे बना हुआ शब्द एक सामने आता है और लिखा गया शेर, ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया, शेर। ठीक इसी प्रकार से जैसे छा और ता, ठीक है, छा और ता के मेल से बना हुआ शब्द बच्चों क्या आता है सामने, छाता, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे यही बताया गया है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे देखिए, ये जो वर्ण है, आपको बताया गया था कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये जो वर्ण है जैसे मो और र, तो दो वर्णों के मेल से यहाँ पे एक शब्द बन रहा है मोर, जिसका अर्थ है एक पक्षी है, आप लोग जानते ही हैं, एक पक्षी है, इसका सार्थक अर्थ भी है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये शब्द है, ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें ही हम शब्द कहते हैं, ओके। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को देखिए, ठीक है, शेर, छाता और मोर दो वर्णों के मेल से बने हैं, ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, आपको कंठस्थ करने के लिए लिखा गया है कि आओ कंठस्थ करें, ठीक है,
भाषा में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हमारी भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्द समूह का प्रयोग होता है उसमें सम्मिलित हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम शब्द भंडार कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ देखिए आपको बताया गया है शब्द के चार भेद होते हैं। नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, नंबर दो बनावट के आधार पर, नंबर तीन प्रयोग के आधार पर और नंबर चार अर्थ के आधार। एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए, शब्द के चार भेद होते हैं। नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, नंबर दो बनावट के आधार पर, नंबर तीन प्रयोग के आधार पर और नंबर चार अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के चार प्रकार होते हैं, जैसे पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। ठीक है, तो एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम का मतलब ही है बच्चों संस्कृत के वे शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों चले आए हैं, वो जैसे ही संस्कृत में हैं वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में सीधे चले आते हैं, सीधे प्रयोग में आते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देखिए उदाहरण में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अतः प्रायः। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग जब हम हिंदी भाषा में बोलने के टाइम बोलते समय करते हैं तो क्या होता है बच्चों, उन्हीं शब्दों को हम क्या करते हैं, उन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत भाषा के शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ज्यों के त्यों, वो हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, संस्कृत भाषा के शब्द उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों तद्भव शब्द। ठीक, यहाँ देखिए तद्भव शब्द लिखा हुआ है, दूसरा वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी में परिवर्तित करके और हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा में ही वैसे ही प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अग्नि, ठीक है, और आग। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ पे जो अग्नि शब्द है, आप लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो अग्नि शब्द है ये क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, ये तत्सम शब्द है और इसका जब परिवर्तन होता है हिंदी भाषा में, जब ये शब्द प्रयोग किया जाता है तो आग हो जाता है। ठीक है, तो इसी आग को ही हम क्या कहते हैं, इसी आग को ही तद्भव शब्द कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों, ठीक है, अब आइए देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देशज शब्द, तीसरे नंबर पे ग। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है बच्चों हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग होते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं।
एक बार और आप लोग ध्यान से देखिए, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो स्थानीय बोली, ठीक है, स्थानीय बोली में प्रयोग होते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे जूता, गाड़ी, ठीक है, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी स्थानीय बोली जो हमारे गांवों में बोलियां बोली जाती हैं उन शब्द से निकला हुआ है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, देशज कहते हैं। देश का मतलब होता है हमारे देश में ही ज मतलब जन्म लेने वाले शब्द, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है? तो जो हमारे गांव और देश से निकले हुए शब्द हैं, जो जन्मे हुए शब्द हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता हो गया, ठीक है, गाड़ी हो गई, पगड़ी हो गई, लोटा हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारे गांव के लोग प्रयोग में लाते हैं, ऐसे वो सब अपने आप खुद ही गढ़ लिए गए हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे विदेशी शब्द लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं, अर्थात विदेशों में जन्म लेने वाले जो शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, आलमारी, यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कैंची, आलमारी, ये सभी विदेशी शब्द हैं। ठीक है, इनको हिंदी भाषा में अपना लिया गया है, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों देखते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, नंबर 1 रूढ़ शब्द, और नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग समझिए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखी हुई है, ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करने पर उनके अंगों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्थ नहीं निकलता है, और जिनका अर्थ परंपरा से ही चला आ रहा है। ठीक है, वो किसी एक शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अडिग हो जाते हैं। ठीक है, किसी एक ही अर्थ के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहां उदाहरण में दिया गया है आपको, जैसे बताया गया नदी। ठीक है, तो यहां जब इसके खंड को अलग किया गया, इन शब्दों को अलग अलग किया गया, तो न और दी आया, और दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, जैसे कुर्सी। ठीक है, उदाहरण है जैसे कुर्सी। कुर्सी आप लोग जानते ही हैं, जिस पे आप लोग बैठते हैं, तो इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो आता है सामने कु और सी। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों के कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इसीलिए इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसलिए हमने क्या कहते हैं बच्चों, इसीलिए इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी विशेष अर्थ के लिए, ठीक है, किसी अर्थ के लिए ये रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, और इनके दोनों शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं निकलता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों यौगिक शब्द। ठीक है, तो यौगिक शब्द को ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, कैसे आप लोग जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही तत्सम शब्द है, यही तद्भव शब्द है, इसे ही देशज शब्द कहते हैं, इसे ही विदेशी शब्द कहते हैं, इसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं, इसे ही यौगिक शब्द कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है यौगिक शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका हम खंड करें,
और दोनों खंडों का अर्थ निकले, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहां उदाहरण में दिया गया, जैसे यहां पे उदाहरण दिया गया हिमालय, ठीक है, हिमालय लिखा गया और यहां खंड किया गया हिम और आलय। तो यहां पे दोनों खंडों का अर्थ निकल रहा है बच्चों। हिम का अर्थ आप लोग जानते हैं, हिम का अर्थ होता है बर्फ, ठीक है, और आलय का मतलब होता है घर। हिम का अर्थ क्या होता है बच्चों, बर्फ होता है, ठीक है, और आलय का मतलब क्या होता है, घर, ठीक। तो जो बर्फ का घर है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही हिमालय कहते हैं। बात हमारी समझ में आ गई बच्चों। जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका हो गया विद्यालय। विद्यालय क्या है, विद्यालय यौगिक शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया विद्यालय, विद्या धन आलय, अर्थात विद्या का जो घर है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही विद्यालय कहते हैं। जैसे एक शब्द और आता है रसोई घर, ठीक है, रसोई अर्थात रसोई है, किचन है आपका, और घर क्या है, घर को घर कहते हैं, ठीक है। जब इन शब्दों को हम मिला देते हैं तो दोनों शब्द जो मिल जाते हैं और हो जाता है क्या बच्चों, रसोई घर, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये यौगिक शब्द है। बात हमारी समझ में आ रही है। जैसे बस अड्डा, ठीक है, रसोई घर, और विद्यालय हिमालय, ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक का घर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। तो यहाँ पे दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं बच्चों योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द को, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पे आपको ये बताया गया यौगिक शब्द में कि दो सार्थक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द का निर्माण होता है, और योग रूढ़ में आपको बताया जा रहा है, योग रूढ़ में आपको बताया जा रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द जो एक विशेष अर्थ देते हैं, अर्थात उनका एक दूसरा अर्थ हो जाता है, एक विशेष अर्थ हो जाता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, ठीक है, जलज दिया गया, जल में पैदा होने वाला। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों। जैसे जलज है तो जलज का अर्थ होता है जल में पैदा होने वाला, अर्थात जलज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, कैसे आप लोग जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये स्वयं के अर्थ को न दे करके किसी दूसरे अर्थ को प्रधानता देते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका उदर मतलब होता है पेट, जिसका पेट लंबा होता है उसे हम लंबोदर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे लंबोदर जो शब्द है तो ये एक विशेष अर्थ के लिए जाना जाता है, जैसे गणेश जी को हम क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण आप लोग समझिए, जैसे दसानन, ठीक है, अर्थात आनन मतलब होता है मुंह, ठीक है बच्चों, आनन मतलब क्या होता है, मुंह होता है, दस मतलब होता है दस, दस मुंह वाला, ठीक है। तो ये एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में आता है, रावण के लिए ही प्रयोग किया जाता है दशानन, ठीक है। तो यहाँ पे ये शब्द क्या है बच्चों, ये शब्द योग रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद में। अब हम तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, शब्दों के दो ही भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। नंबर वन विकारी शब्द और नंबर टू अविकारी शब्द। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, कैसे आप लोग जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही विकारी शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है, वे शब्द जिनके रूप में
ठीक है, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदलाव आता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही बच्चों? जैसे जैसे राम जाता है, ठीक है, राम जो शब्द है, ठीक है, वो पुल्लिंग है और क्रिया क्या है बच्चों, वो भी पुल्लिंग की है, जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण कोई परिवर्तन न हो, ठीक है, अगर हम इसका लिंग बदलें, ठीक है, राम जाता है और अगर इसका हम लिंग बदल दें सीता, तो हमें वहाँ जो इसकी क्रिया है वो भी चेंज करनी होगी, वो भी बदलनी होगी, वहाँ पे सीता जाता है नहीं होगा, जाती है होगा, ठीक है। तो ये जो शब्द बदल रहे हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, अगर हम एक वचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं वह जाता है, ठीक है, अगर बहुवचन के लिए प्रयोग करें, वचन का प्रयोग करें इसमें, वचन के कारण अगर ये न बदले तो अविकारी शब्द, अगर ये बदलता है तो क्या बच्चों, विकारी शब्द है। जैसे ढेर सारे बच्चे हैं तो हम उनके लिए प्रयोग करना होगा वे जाते हैं, ठीक है, वह के स्थान पर वह जाता है, तो हमें क्या करना होता है वचन में, जब वचन हम बदलते हैं तो क्या करना होगा, वे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शब्द बदल रहे हैं, जैसे वह से वे हो गया, ठीक है, जाता से जाती हो गया, ठीक है, जाता से जाते हैं हो गया, तो ये जो सभी शब्द बदल रहे हैं इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे जाता है, ठीक है, वह धीरे धीरे जाता है, अगर यहाँ पे हम वचन बदलते हैं वह से वे कर दें, वे धीरे धीरे जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम लिंग भी बदलें, ठीक है, जैसे राम धीरे धीरे जाता है, सीता धीरे धीरे जाती है, वे धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है, सभी बच्चे धीरे धीरे दौड़ते हैं, एक बच्चा धीरे धीरे दौड़ता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो शब्द है धीरे धीरे, इस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे लिंग चाहे जो भी बदले, ठीक है, लिंग वचन के कारण इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अविकारी शब्द कहते हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर नंबर चौथा भेद है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर वन सार्थक शब्द और नंबर टू निरर्थक शब्द, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर एक सार्थक शब्द और नंबर दो निरर्थक शब्द। तो आइए देखते हैं बच्चों सार्थक शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं, अर्थात निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न हो, सार्थक मतलब अर्थ के साथ, ठीक है। तो सार्थक और निरर्थक में फर्क इतना ही है, और समझने के लिए भी बस इतना है कि सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी क्या है बच्चों, पानी का अर्थ होता है, अगर आपसे बोला जाए कि एक गिलास पानी लाइए, तो आप पानी को समझेंगे और पानी ला करके देंगे। अगर आपसे यहीं पे बोला जाए
कि आप एक ग्लास मुझे वाणी ला कर के दीजिए, पानी मत दीजिए, मुझे वाणी दीजिए। तो वाणी का मतलब आप लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, निरर्थक शब्द है। ठीक इसी प्रकार से जैसे चाय, चाय क्या है बच्चों, सार्थक शब्द है। अगर आपसे ये बोला जाए कि मुझे वाय दीजिए, तो वाय क्या है, ये निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं वाक्य, वाक्य को भी समझते हैं बच्चों। वाक्य यहाँ पे दिया गया है दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य कहते हैं, ठीक है। अभी अभी सबसे पहले आपको बताया गया वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं सबसे पहले पाठ में, ठीक है। और वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है, और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। तो वाक्य की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट हो, ठीक है। जैसे राधा दूध पीती है, राधा दूध पी रही है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये सभी क्या है, वाक्य हैं। वाक्य में आपको बताया गया कि वर्णों के ऐसे मेल से बने ऐसे शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और जिनका अर्थ स्पष्ट भी हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब वाक्य के अंग भी बताए गए हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर एक उद्देश्य, और नंबर टू विधेय, ठीक है। दो ही इसके अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है राम काम करता है, अगर ये पूरा वाक्य है बच्चों, राम काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है, उद्देश्य है, और काम करता है ये क्या है, विधेय है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी परिभाषा होती है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है मतलब राम काम करता है, तो यहाँ किसके विषय में बताया जा रहा है कि कौन काम करता है, राम काम करता है, तो राम के विषय में बताया गया। तो राम क्या है बच्चों, उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण एक और नीचे दिया गया, सीता गा रही है, तो यहाँ इस वाक्य में किसके विषय में बोला जा रहा है, सीता के विषय में बोला जा रहा है, तो सीता क्या है बच्चों, उद्देश्य है, ठीक है। और विधेय क्या है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बोला जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझाया गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो आप लोग इस पाठ को बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार पाठन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी अभ्यास कार्य में दिया गया है, जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और भी दिया गया है वाक्य किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। तो इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार अपनी रफ कॉपी में करिएगा। कुछ और भी प्रश्न इधर दिए गए हैं, जैसे विधेय किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया विधेय किसे कहते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो इनको आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपको PDF में इनको सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न भी दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शब्दों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ आपको फिल करना है, ठीक है। दूसरा दिया गया वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बच्चों, आप इसको भी फिल कर लीजिए, ठीक। शब्दों को आधार में बांटा गया है, शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया अभी आपको बताया गया, इसको ध्यान से इनको करिए और हम आपको इनको PDF में भी सेंड करेंगे, ठीक है। अगला है, जैसे विदेशी भाषा में प्रयोग में लाए गए शब्द
शब्द कहे जाते हैं, कौन से शब्द कहे जाते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, जिन शब्दों को कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कि उनका मतलब क्या है। ठीक है, वे कौन से शब्द कहे जाते हैं। जैसे अब देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, बहुविकल्पी प्रश्न है, वर्णों के मेल को कहते हैं, शब्द कहते हैं या संज्ञा कहते हैं या वाक्य कहते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक बार आप अपनी रफ कॉपी में करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आपको पीडीएफ में सेंड करेंगे इनको। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा अभ्यास कार्य और ये रहा आपका पाठ शब्द और वाक्य। तो इस पाठ को आप बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लेंगे, एक बार ही नहीं आप एक दो बार पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रश्न या कोई परिभाषा, कोई उदाहरण अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप स्वस्थ हैं, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।